हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि पानी के नीचे हमारा ब्लड रेड के बदले ग्रीन क्यों दिखता है? क्या आपने कभी ऐसे कीड़े को देखा है जिसे छूने पे आपका हाल ऐसा हो सकता है, और अगर गलती से भी आपने इस जीव के ऊपर पैर रख दिया तो आपके साथ क्या होगा? और इस मीम को तो आपने देखा होगा, पर इनकी एक काफी सैड स्टोरी है, वो आपको पता नहीं होगा। तो ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। और हाँ, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट नंबर 15। आपने मछली वाली कहानी तो सुनी होगी, जिसमें मछली को बाहर निकालने पे वो मर जाती है। पर जानी मैट्स कीपर फिश के बारे में, ये मछली अपने जिंदगी का 80% टाइम जमीन पे बिताती है, और बस अपने गिल्स और फिन्स को मॉइस्चराइज करने के लिए पानी में जाती है, वो भी दलदल जैसे पानी में। और अगर ये ज्यादा टाइम तक पानी में रही तो ये मर भी सकती है, जमीन पे रहने से नहीं, पानी में रहने से। फैक्ट नंबर 14। अफ्रीका में यूं तो पानी की काफी कमी होती है, पर वहाँ पे पाए जाने वाले ये बोबुआबा पेड़ अपने अंदर 1,20,000 लीटर जितना पानी स्टोर करता है, और वहाँ के आदिवासी मुसीबत के वक्त या गर्मी में इसका उपयोग करते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ गर्मी में काफी कमी होती है पानी की। फैक्ट नंबर 13। आपको ये बात तो पता होगी कि गुफा हमेशा सनखड़ी और अंधेरी होती है, पर वियतनाम की हैंग सॉन्ग डोंग गुफा 220 मीटर में फैली हुई है, और तो और इसका खुद का क्लाइमेट है, जंगल है, रिवर है, और खुद के क्लाउड्स भी है, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा इकोसिस्टम ही है, और यही बातें इसे कमाल का टूरिस्ट स्पॉट बनाता है। फैक्ट नंबर 12। फरारी की कार्स काफी कमाल की होती है, पर उससे भी ज्यादा कमाल का है उनका एक इंडोर थीम पार्क जो अबू धाबी में है, और इसके अंदर एक छोटा सा रेस ट्रैक है, और दुनिया के सबसे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है जो बस 5 सेकंड में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, और इसी वजह से इसकी टिकट्स भी काफी ज्यादा है, एक पर्सन का 5,000 5 से 6 घंटे के लिए। फैक्ट नंबर 11। आपने साफ साफ पूल तो देखे होंगे, पर एक बार इसे देखिए, ये है कनाडा का क्रिस्टल ब्लू वाटर जो सच में क्रिस्टल क्लियर है, और ये पानी इतना ज्यादा साफ है कि आप हर एक स्टोन को काउंट कर सकते हो। क्या कभी आपने इतना क्लियर वाटर पहले देखा है? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 10। तो ये जो घिनौना कीड़ा है, इसे कहते हैं जाइंट वाटर बग, और कुछ भी हो जाए इसे आपको छूना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि इससे क्या हो सकता है, और इसे तो बीटर नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर पेड़ में रहते हैं। ये कीड़े 4 इंच तक बड़े हो जाते हैं, और इनके पीठ पे ये जो है इनके अंडे हैं। ये कीड़े ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 9। जरा इस जानवर को देखिए, इसका नाम है ब्लू ड्रैगन। आप इसके लुक्स पे मत जाना, क्योंकि ये जो जानवर है ये जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है। ये जहरीला नहीं होता, पर ये जो खाता है यानी मैन ऑफ वॉर को, वो जहरीला होता है, और उसी की वजह से इसके अंदर उसका जहर होता है, और अगर उसने आपको डंक मार दिया तो आपके अंदर मैन ऑफ वॉर का जहर भर देगा, और ये ऊपर से ब्लू होता है ताकि ये पानी में कैमोफ्लैज कर सके, और नीचे से सिल्वर ताकि ये नीचे से भी कैमोफ्लैज कर सके। ये पानी के अंदर तैरता नहीं, बल्कि ये पानी पे फ्लोट करता है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि अगर आप टैप वाटर यानी नॉर्मल वाटर को फ्रीज करो तो ऐसा आइस देगा, और अगर आप बॉयल वाटर को फ्रीज करो तो आपको ऐसा ट्रांसपेरेंट आइस देगा, और इसका रीजन है पानी के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैस डिजोल्व होता है, और उनके ही वजह से क्लाउडी आइस मिलती है, और बॉयल करने पे गैस इवापोरेट हो जाता है, इसलिए ट्रांसपेरेंट आइस मिलता है। फैक्ट नंबर 7। आप इस जरा इमेज को देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मर्सा का है, पर दरअसल नहीं, ये सारा डेजर्ट में बना है, और इसे आई ऑफ सारा डेजर्ट भी कहा जाता है। ये फोटो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई है, पर शॉकिंग बात तो ये है कि ये बनाया किसने या बना किससे। कुछ लोगों का तो कहना है यहाँ 1,000 साल पहले एस्टेरॉयड गिरा होगा, कुछ मानते हैं कि यहाँ UFO या ऐसे ही कोई लैंड किया होगा। और आपको क्या लगता है? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 6। ये नहीं कोई एलियन प्लैनेट है, और ना ही अवतार जैसी मूवी का सेट, बल्कि ये एक असली प्लांट है जो अफ्रीका के ज्वालामुखी किलिमंजारो के टॉप पे ही मिलती है, और पूरी दुनिया में अभी तक ये एक ही ऐसी जगह है जहाँ ये मिलता है, और इस जायंट प्लांट का नाम है ग्राउंड सेल्स या जायंट ग्राउंड सेल्स, और वहाँ के स्थानीय लोग ये मानते हैं इसके पत्ते कोई भी चोट लगने पे ये उसे ठीक कर देता है और इन्फेक्शन से भी बचाता है। फैक्ट नंबर 5। एप्पल आज सबसे ज्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल कंपनी में से एक है, और उसके फोन्स या कंप्यूटर काफी फेमस हैं, और आज एप्पल को एक रिच प्रोडक्ट में देखा जाता है। पर क्या आपको पता है कि एप्पल का सबसे पहला प्रोडक्ट या कहूँ कंप्यूटर कौन सा है? अगर नहीं पता तो ये देखिए, ये फर्स्ट एवर एप्पल कंप्यूटर था जो 1976 में बना था, और कौन इसे देख के बता सकता था कि आगे जाकर एप्पल इतनी बड़ी कंपनी और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। फैक्ट नंबर 4।
जियो के सस्ते इंटरनेट ने लोगों की जिंदगी तक बदल दी, खासकर यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया क्रिएटर्स की। पर आपको जियो के लोगों में छुपा एक सीक्रेट पता है? अगर आप जियो के लोगों को मिरर में देखोगे तो वो स्पेल होता है ऑयल, जो कि हमें बताता है कि रिलायंस की जर्नी ऑयल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री से टेलीकॉम और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री तक की है। फैक्ट नंबर 3, क्राउन ऑफ थ्रोन स्टारफिश। इस क्रिएचर को देखने के बाद ऐसा ही लगता है जैसे ये कोई एलियन क्रिएचर है। ये जीव पानी में ज्यादा गहराई में नहीं रहता, और अगर आप गलती से भी ऐसे जगह पर डाइव मारने जाओ तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इनके ऊपर 100 से भी ज्यादा सुई जितने सार्प कांटे होते हैं जो बहुत ज्यादा वेनमस होते हैं। अगर आपको ये काट ले तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे और काफी ज्यादा उल्टी भी होंगी, और जल्दी इलाज नहीं किया गया तो आपकी फिर जान भी जा सकती है। फैक्ट नंबर 2, आप सभी को इस आदमी के बारे में तो पता ही होगा जो वायरल हुआ है इसके एक वीडियो मीम की वजह से, पर क्या आपको इसकी इंस्पायरिंग और सैड स्टोरी के बारे में पता है? इसका नाम है बिलाल गोर्गेन और ये अंधे हैं, और इनकी कई बीमारी हैं जैसे कि अनस्टेडी हैंड, और ये बोल नहीं सकते और ये नॉर्मली बिहेव भी नहीं कर सकते, पर फिर भी इन्होंने हमें कमाल का मीम दिया है। और यहाँ रोज हमेशा शाम को ये आते हैं, सल्यूट है ऐसे आदमी को क्योंकि इसने हार नहीं मानी। फैक्ट नंबर 1, आपको पता है हमारा खून गहरे पानी में रेड नहीं बल्कि ग्रीन दिखता है, और इसके पीछे एक छोटा सा साइंस है, वो ये है व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से बनी होती है, और सब कलर अलग अलग स्पीड में ट्रैवल करते हैं, और उसमें रेड सबसे स्लो होता है, और इसी वजह से हम जब गहरे पानी के अंदर जाते हैं तो वहाँ रेड कलर होता ही नहीं, तो हमें कुछ भी रेड नहीं दिख सकता, और इसी वजह से हमारे ब्लड में जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं उसकी वजह से वो हमें ग्रीन दिखते हैं। समझे कि नहीं? चलो थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।